नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बोरिस, स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल पे। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 2024 में पिछले कुछ दिन बहुत ही अजीबो गरीब गुजरे हैं। अजीबो गरीब सिर्फ हार्दिक पांड्या, गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियंस के वजह से गुजरे हैं। खबर ये आ रही थी कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन को छोड़ के मुंबई इंडियन के साथ शामिल होने वाले हैं। फिर बाद में ये खबरें आई कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन में ही खेलेंगे और मुंबई इंडियन में ये नहीं जाएंगे। फिर एक खबर आती है कि 15 करोड़ में ये डील हो चुकी है, यानी कि 15 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियन के बीच में हो चुकी है डील। डील में ये कहा गया है कि गुजरात टाइटन को मुंबई इंडियन लेगी, बदले में 15 करोड़ रुपए गुजरात टाइटन को देगी। तो ये पहली बार देखा गया है कि किसी भी प्लेयर को अमाउंट देकर तब ट्रेड किया गया है, वरना इससे पहले जितने भी ट्रेड हुए हैं ज्यादातर ट्रेड में प्लेयर के बदले प्लेयर को रिप्लेसमेंट किया गया है। जैसा कि आपको याद होगा कि शिखर धवन को जब दिल्ली कैपिटल्स ने लिया था तो शिखर धवन के बदले में उन्होंने 3 प्लेयर दिए थे सनराइजर्स हैदराबाद को। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल अजीबोगरीब था। यहाँ सिर्फ पैसा लिया गया, खिलाड़ी दिया गया, कोई भी अदर ट्रेडिंग नहीं हुई कि कोई खिलाड़ी इस टीम का उस टीम में या उस टीम का इस टीम में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज ये निकल के आ रही है इसमें कि 24 नवंबर 2023 को हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटन को छोड़कर मुंबई इंडियंस के साथ में डील साइन कर ली थी, यानी कि वो गुजरात टाइटन को छोड़ के मुंबई इंडियंस साथ खेलेंगे, इस टाइप की डील थी। 26 नवंबर 2023 को शाम को 5:30 पे ये रिपोर्ट आती है कि हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन ने रिटेन कर लिया। तो रिटेंशन के 2 घंटे बाद यानी कि 7:30 पे एक रिपोर्ट और आती है जिसमें कि ये कहा जाता है कि मुंबई इंडियन के साथ खेलेंगे हार्दिक पांड्या, गुजरात टाइटन को उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ड्रामेटिक चीजें हुई हैं टाटा आईपीएल को लेके। अब इस सारे मसले को लेके इनके मैनेजमेंट का एक ऑफिशियल बयान आया है। इनके मैनेजमेंट का कहना यह है कि विजय शंकर और दशुन सनका इनके पास थे, इसलिए इन्होंने हार्दिक पांड्या को जाने दिया। तब इनके मैनेजमेंट की अगर बात माने तो ये माना जाएगा कि विजय शंकर और दशुन सनका थे, इसलिए इन्होंने छोड़ा हार्दिक पांड्या को। तो सवाल ये पैदा होता है कि विजय शंकर तो हैं, लेकिन दशुन सनका को इन्होंने रिलीज कर दिया है, यानी कि दशुन सनका अभी तक तो गुजरात टाइटन के पार्ट नहीं है, इनको उन्होंने रिलीज कर दिया है। इनको बाद में ये खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो 19 दिसंबर को मालूम चली जाएगा। जहां गुजरात टाइटन के मैनेजमेंट का ये कहना था कि दशुन सनका और विजय शंकर हमारे पास में हैं, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया, वहीं इनके मैनेजमेंट का एक और बयान आता है, उसमें ये कहा जाता है कि हार्दिक पांड्या खुद चाह रहे थे कि मुंबई इंडियन की तरफ से खेलना, जब वो चाह रहे थे तभी इन्होंने उनको ट्रेड किया।